नमस्ते एंड वेलकम टू बोधि भाषा इजी स्पॉन्टेनियस एंड प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश बेहद सरल सहज एवं उपयोगी पद्धति से भाषा सीखने व सिखाने का पोर्टल बोधी भाषा आपका हार्दिक स्वागत करता है ब्रॉड टू यू बाय बोधी बूस्टर नॉलेज पोर्टल बोधी भाषा में जैसा हम हमेशा बताते हैं अंग्रेजी सीखने के लिए ये पांच तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है वी यूज दीज फाइव मेथड और टेक्निक्स टू हेल्प अंडरस्टैंड इंग्लिश मच बेटर वोकैबलरी ग्रामर रूल्स यूजेज कॉम्प्रिहेंशन जनरल नॉलेज एंड करंट अवेयरनेस टाइंग ऑल दीज फोर टूगेदर पहले चार स्तंभों को आपस में मानता है सामान्य ज्ञान और समसामयिकी घटनाओं का हमारे द्वारा किया प्रयोग हम आपसे हमेशा अपील करते हैं अंग्रेजी सीखते वक्त मन का डर निकाल दीजिए एंड नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ योर सेल्फ रिस्पेक्ट वाई यू ट्राई एंड लर्न दिस वन फॉरन लैंग्वेज हमारी वेबसाइट भाषा डॉट बोधि डॉट कॉम है वहां आपका स्वागत है धीरे धीरे ये और गहरी होती जाएगी रेंज ऑफ सर्विसेस इन सभी का पूरा पूरा लाभ लीजिए रीडिंग एक्सरसाइजेस आइए आज का काम प्रारंभ करते हैं रीडिंग एक्सरसाइजेस अर्थात जब हम किसी अच्छे लेख को रीड अलाउड करेंगे और एक ऐसी एक्सरसाइज बनेगी विच विल बी आइडियल फॉर बिगिनर्स ऑफ ऑल एज ग्रुप्स आपकी आयु कुछ भी हो यदि आप अंग्रेजी बस अभी अभी गंभीरता से सीखना शुरू कर रहे हैं तो रीडिंग एक्सरसाइजेस आपके लिए बहुत बेहतरीन सिद्ध होंगी वी रीड अलाउड एन आर्टिकल रिटर्न इन इंग्लिश आपको तीन काम करने हैं यू लिसनफुल्ली

बहुत कारगर सिद्ध होंगी तो क्या हम तैयार हैं शुरू करें बोधी भाषा की रीडिंग एक्सरसाइज ओके हियर गोज यह एक बड़ा खूबसूरत लेख हाल ही में एक प्रमुख अखबार में छपा था हम इसे बारीकी से पढ़ेंगे आप ध्यान से सुने और वो सारी चीजें सीखने का प्रयास करें जो मैंने अभी आपको दिखाई थी आई होप द पॉइंट एंड द मैसेज इज क्लियर हियर गोज Nations have no permanent friends or allies. They have only permanent interests, said English statesman Lord Palmerston. What that implies is diplomacy is dynamic. Nations need to constantly evaluate and re evaluate their preferences in the international arena and strategize. There is no place for romanticism in diplomacy. It has to be cold blooded and utterly pragmatic. Pragmatism demands that we talk about the Indian Ocean region more. India's foreign policy has long been tilted westward. Time we turned eastward. 21st century politics is going to be markedly different from the previous century. The global power axis has today shifted away from the Pacific Atlantic region. To the Indo-Pacific region that brings tectonic shifts in world politics. Many institutions will become irrelevant. Twentieth century power alliances like the NAM non-aligned movement, Commonwealth, etc., have become redundant. The European Union is imploding. NATO is more or less dead, waiting for the last rites to be performed jointly by Donald Trump and Vladimir Putin. Sasuna. आपको उच्चारण समझ में आए अब ये हैं इस एक्सर्प्ट के महत्वपूर्ण शब्द हमने उन्हें हाईलाइट कर दिया है आपके लिए यू हैव टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स फाइंडिम्स एंड समेंटनिम्स ये आपका काम है इनके समानार्थी और विलोम पता करें कैसे पता करें सर वही जादुई मशीन और वही जादुई नेटवर्क जिससे आप भिन्न भिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर म्यूजिक और वीडियोस लगातार देखते रहते हैं जी हां आपका मोबाइल फोन और आपका गूगल बस उसी में टाइप करें और इनके अर्थ ढूंढें इसके अलावा भी बहुत से ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं लेकिन वहां से शुरू तो करें एलाइज इंप्लाइज री इवेल्युएट स्ट्रैटेजाइज रोमैंटिसिजम अटली प्रेगमेटिक ग्लोबल पार एक्सेस टेक्टोनिक शिफ्ट पार अलायसेस रिडेंडेंट इम्प्लोडिंग बहुत खूबसूरत शब्द हैं कठिन शब्द हैं ये सरल बिल्कुल भी नहीं है तो घबराइए मत यदि आपको इनमें से कईयों के अर्थ और सिनोनिम एंटोनिम या उनका यूजेज इन्हें सेंटेंस पता नहीं हो यह वाक्य साथ ही होगा वही इस एक्सरसाइज का उद्देश्य भी है आगे बढ़ते हैं इन देयर प्लेस न्यू पावर अलायंसेस आर इमर्जिंग the epicenter of these new alliances is going to be the indo-pacific region asia is today home to some of the world's leading and fast-growing economies 45% of the world's population lives here half of world's container traffic and one-third of bulk cargo traverses the indian ocean around 40% of the world's offshore oil production comes from the indian ocean nearly half of the world's energy Energy supplies pass through this region. Half of the world's submarines will be roaming around in the Indo Pacific region in the next two decades. This region will witness power play between three major powers. India and China are the two fast growing economies in the region. Both nurture big power ambitions, both compete for the same resources. Hence, competition is imminent between the two. आपने ध्यान से देखा ध्यान से सुना खुद ध्यान से पढ़ा ये रहे कुछ महत्वपूर्ण शब्द और भी हो सकते हैं हमने कुछ हाईलाइट कर दिया ऑफ ऑयल पता करें इसका क्या अर्थ है क्या होता है ऑफ ऑयल तो क्या ऑनशोर भी होता है सब मरीस इमिनेंट। सब जैसे शब्दों में आप देखिएगा सब तो क्या ऐप हो सकता है सब नॉर्मल एब नॉर्मल क्या मरीन से और दूसरे कई शब्द बन सकते हैं इस तरह से शब्दों के साथ खेलना शुरू करें धीरे धीरे जब आप अपनी नोटबुक में शब्द लिखेंगे और जिस तरह मैं अभी रीड कर रहा था आप भी रीडिंग अलाउट करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे तो कुछ हफ्तों और महीनों में बहुत अच्छे से आपकी पकड़ बनना प्रारंभ हो जाएगी आगे चलते हैं China, with its bigger financial and military muscle, is seemingly ahead today. It is in the driver's seat of many new transnational trade alliances like AIIB, BRICS, and RCEP. It is aggressively pursuing ambitious infrastructure projects like Belt and Road. Its efforts to emerge as the leading naval power in the region. Seem to be coming to fruition. In no time, it has built a formidable navy with over 300 vessels of various sizes. The future of America's role in the region is uncertain. President elect Trump doesn't share the vision of his predecessors in this matter. President Obama launched an ambitious alliance of nations of the Indo Pacific region, the Trans Pacific Partnership, TPP. बट ट्रम्प enthusiastic नॉट it अबाउट इट एट ऑल एट द Conference, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस Admiral चीफ एडमिरल हैरिस डिस्क्राइब पीपीपी or less dead. दिस signals डिमिनिशिंग यूएस influence इन द रीजन आपने सुना शांति से सुना एब्सॉर्ब करने का प्रयास किया साथ साथ बोलने का प्रयास किया पहली बार में नहीं किया हो तो दूसरी तीसरी चौथी बार में करें कई बार बहुत वक्त लगता है कोई दिक्कत नहीं कोई जल्दी नहीं है यह रहे कुछ अच्छे शब्द और भी हो सकते हैं ध्यान रखिएगा ड्राइवर सीट इससे कोई और वाक्य बनाने का प्रयास कीजिएगा ट्रांसनेशनल क्या हो सकते हैं कुछ इसके सिनोनिम्स अर्थात समानार्थी शब्द फ्रूशन क्या मतलब है पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है फॉर्मिडेबल क्या ये बहुत स्ट्रांग शब्द है इससे हम किस तरह के वाक्य बना सकते हैं क्या आपका वोकेबलरी पर कमांड एक दिन फॉर्मिडेबल हो ऐसी आपकी ख्वाहिश है तो इसका उल्टा क्या होगा कहीं सक्सेसर्स तो नहीं होगा ढूंढिए पता कीजिए आगे चलते हैं इंडिया हैज ग्रेट पार एंबिशंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज ओपनली टॉक् अबाउट इंडिया ambition to rise as an influential and responsible global power in order to realize them india has to change gears and proactively engage in the region proactively ये एक अच्छा शब्द है रोमांटिकिज्म ये लाइन पूरी शुरू में आ गई थी इसलिए इसको अभी यहां नहीं पढ़ा हमने proactively बड़ा अच्छा शब्द है बड़ा सकारात्मक शब्द है कब यूज होता है एक्टिव का अर्थ तो आपको पता ही है प्रो एक्टिव सोचिए ढूंढिए रोमांटिसिज्म क्या इसमें कल्पनाशीलता का आभास होता है आगे चलते हैं वन ऑफ इट्स फर्स्ट मेजर्स शुड बी टू ब्रिंग द रिक्वायर्ड नोमलेचर इन टू वोक एशिया पेसिफिक इज अ फ्रेस कॉइन ड्यूरिंग द नाइनटीन सिक्सटीज एंड सेवेंटीज When Asian powers like Japan and Singapore raised it, and it suited America to bond with them. But today, it is India and other Indian Ocean neighborhoods that are emerging as powerhouses. Some Western scholars have started using the phrase Indo-Asia Pacific. We need to call it Indo-Pacific, implying the centrality of the Indian Ocean to the region. दो बड़े अच्छे शब्द और भी होंगे आपको पावर हाउस भी इसमें एक अच्छा शब्द लग सकता है बिल्कुल नोमिन इन क्लेचर सेंट्रैलिटी इसके अलावा वोग भी है कॉइंड भी है पावर हाउसेज भी है अब ये आप ढूंढिए कि और ऐसे कितने हो सकते हैं ये जितने शब्द अ लॉट ऑफ यू माइट बी फाइंडिंग डिफिकल्ट टुडे उन्हें पांच बार दस बार पंद्रह बार जोर जोर से बोलिए नॉमिन क्लेचर इसे जब आप दस बार बोलेंगे और दस बार अपने हाथों से अपने नोटबुक में लिखेंगे तब आपको स्पेलिंग याद होगी एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश आप सभी के लिए अ लॉट ऑफ यंग पीपल बिकॉज दे कैन स्पीक अ लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश विद अ लॉट ऑफ स्वैगर वो भी पूरा बोलने की मेहनत नहीं करते हुए स्वैग और with some fake artificial accent so they are living in a fool's world that they have understood english far from it if i ask them to write what they have just spoken with so much of quote unquote swag there would be one mistake every third or fourth word either the spellings would be wrong or the grammar would be broken or the sentences would be unstructured or the punctuations would be dead dhyan rakhen. यदि आप किसी भी व्यक्ति को बड़ी शान से बड़ी स्टाइल में एक नकली अमेरिकी या ब्रिटिश एक्सेंट में अंग्रेजी बोलता सुने और यदि मैं उसे कहूं कि अभी आपने जो कुछ उच्चारण किया है उसे जरा लिख के दे दीजिए मुझे कागज पे आपको आश्चर्य होगा देखकर कि उसमें वर्तनियों की त्रुटियां भाषा की त्रुटियां व्याकरण की त्रुटियां इतनी निकल सकती हैं कि आप अचंभित हो जाएंगे तो अंग्रेजी एक शान से बोलने की कला और वाकई में सही इंग्लिश समझकर लिख पाने की क्षमता ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं हमारा प्रयास रीडिंग एक्सरसाइज में है कि आप अंग्रेजी को मूल स्तर से इन चीजों के साथ समझें अदरवाइज कुछ समय तक तो वो आर्टिफिशियलिटी आपको करियर में मदद कर देगी लेकिन मान लीजिए किसी दिन आपके बॉस आपसे खुश हो गए और आपको कुछ महत्वपूर्ण काम दे दिया तो आपका भांडा फूट जाएगा आपके बॉस खुश हुए और उन्होंने कहा चलो फटाफट ये पांच पेज का डॉक्यूमेंट बनाओ गाइडलाइंस लेटर फॉर अवर ब्रांच ऑफिस उस दिन आपको बड़ा दुख होने वाला है आगे चलें मोदी हैज स्टार्टेड मेनी इनिशिएटिव्स इन द डायरेक्शन ऑफ एसर्टिंग इंडिया प्रो एक्टिव रोल इन द रीजन ग्रेटर बायोलैटरल एंगेजमेंट विद कंट्रीज इन द रीजन एनहैंस इंटरफेस विद रीजनल ग्रुपिंग्स लाइक आजियान साउथ पैसिफिक आइलैंड नेशंस ग्रुप एक्सेट्रा

इसे दस बार खुद प्रनाउंस कीजिए उच्चारित कीजिए रेटिसेंस रेटिसेंस ऐसे करना है आपको सुनने में हंसी आ रही होगी कई समझदारों को ध्यान रखना जब लिखोगे सारे भांडे फूट जाएंगे इसलिए तैयारी पूरी करो कुछ भी छोड़ो मत और कठिन शब्दों को लिखो वंस यू हैव पुट इन दिस काइंड ऑफ फिजिकल इमोशनल एंड मेंटल इन्वॉल्वमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन लर्निंग ऑटोमैटिकली द रिजल्ट Will show. Let's move on. Dehyphenation of bilateral relations is another major step taken by Modi in this direction. Our engagements with countries like America, Russia, and China are based on stand-alone bilateral interest, without conflicting with our relations with any other country. India has to strengthen its naval power if it really wants to play a bigger role in the region. towards that end steps have been taken by the new government a target of securing 200 vessels for our navy has been set for 2030 we have expanded malabar exercise to include japan as the third member besides india and us आपने सुना शांति से दो शब्द या फ्रेज तो मुझे बिल्कुल दिख रहे हैं डी हाइफनेशन बहुत ही पावरफुल बहुत कठिन शब्द है इसको समझना भी थोड़ा कठिन होगा कोई दिक्कत नहीं स्टैंड अलोन बाय लेटरल इंटरेस्ट मेलाबार एक्सरसाइज भी आपको दिख रहा है पता कीजिएगा दूसरा तट कौन सा है दक्षिण भारत में उसका नाम हमें कमेंट थ्रेड में लिखकर अवश्य बताइएगा इस तरह से यदि आप भी इसमें इंटरेक्ट करेंगे कोऑपरेट करेंगे तो साथ मिलकर यह बहुत अच्छा पोर्टल कुछ हफ्ते महीनों में तैयार हो जाएगा लेट्स मूव ऑन But we have to go a long way. We live in an unstable neighborhood, the challenge of which needs to be handled diligently. Technology, digital, and cyber is go going to play a big role. India, with its vast tech manpower and demographic dividend, can take advantage of this. India is going to face a new challenge in the form of changed US priorities. Certain actions undertaken by Trump could affect the regional balance in Asia. His future relationship or rivalry, especially with countries like Russia, China, Saudi Arabia, and Pakistan, is going to change the power dynamic in the region drastically. We need to be alert to these challenges. Demographic, or in fact, demographic dividend, pura bhi ho sakta hai. very powerful. And this is behad. ओवर यूज मिस यूज शब्द है भारत के विभिन्न सामाजिक राजनीतिक हलकों में आप जब और पढ़ना शुरू करेंगे आपको मेरे इन वाक्यों के अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगे और फिर चेहरे पे एक मुस्कान भी आ जाएगी पावर डायनामिक क्या है ये सत्ता के कौन से खेलों की बात हो रही है पावर डायनामिक <laughs> Hillary Clinton, during her visit to India in 2011, has called for India to assume a greater role in its region. We encourage India not just to look east, but to engage east and act east as well, she said. India's greater role on the world stage will enhance peace and security, she added in an essay in Foreign Policy magazine. The stage is set for playing that role in the Indian. Ocean region. I hope you enjoyed the complete reading exercise. We covered a vast ground today. We started from here, and piece by piece, bit by bit, we went through. All these excerpts. This is how slowly and steadily you can build your confidence, your skills, your command, your speed, and your overall hold on interesting and difficult English topics. This was brought to you by Bodhi Booster. For more serious learning, enroll in Bodhi Booster Premium Service. तो बोधी भाषा के इस अंक में अब मेरी तरफ से इतना ही ध्यान दीजिएगा आप हमारी सभी फ्री सर्विसेज का पूरा फायदा उठाएं दिस इज बोधी बूस्टर ज्ञान पोर्टल नॉलेज पोर्टल बोधी बूस्टर डॉट कॉम इसी का समानांतर है हिंदी बोधी बूस्टर हिंदी डॉट बोधी बूस्टर डॉट कॉम ये रहा न्यूज अर्थात बोधी न्यूज पोर्टल जिसमें आपको मिलते हैं हफ्ते में चार से पांच बार वीडियो एनालिसिस डाउनलोडेबल पी इत्यादि और अंत में यह रहा बोधी भाषा पोर्टल जिसकी सीधी लिंक आपको यहां से भी मिल जाएगी बोधी भाषा पोर्टल में अवश्य आए वी हैव जस्ट स्टार्टेड एंड वी आर बिल्डिंग इट प्रिटी रैपिडली जैसा हमने कहा कुछ ही हफ्तों में यहां बहुत सारे संसाधन और यहां भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल और डाउनलोडेबल कंटेंट हम आपको देना आरंभ कर देंगे उम्मीद करते हैं आपका साथ और सहयोग हमेशा बना रहेगा इजी स्पॉन्टेनियस एंड प्रैक्टिकल वे टू लर्न इंग्लिश बोधी भाषा सरल सहज और उपयोगी पद्धति से अंग्रेजी हम सीखते चलेंगे अभी के लिए अब आप मुझे इजाजत दीजिए बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी नमस्ते जय हिंद